वहां पे पहुंचा और मैं किसके बदौलत पहुंचा, किस बिना पे पहुंचा, मैं आप लोग के बिना पे पहुंचा। जब आप लोग के बिना पे पहुंचा तो इसलिए हम पूरा खेत खलिहान दिखा रहे हैं, पूरा ये नेचुरलिटी दिखा रहे हैं कि शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। और शुरुआत हर इंसान की खेत से, ज़मीन से, खलिहान से, रेगिस्तान से, और चिचिलाती हुई धूप से, और तपती हुई बदन से, और तपते हुए मस्तिष्क से होती है। इसलिए जो भी शुरुआत आप करो उसको छोड़ो मत। अंगूठे लगाते रह जाओगे जिंदगी भर, थोड़ा सिग्नेचर भी करो। अच्छा ठीक है, जो फिंगरप्रिंट लगता है इसलिए वो अलग होता है, इसलिए आप अपने आप को खास मानते हो। अगर जिसका अंगूठा कट गया हो, अगर जिसका अंगूठा कट गया हो वो खास कैसे बनेगा? ये चार है, आपने अंगूठे की बात की ना। अच्छा सब फिंगर्स, और जिसकी दसों कट गई हो। जिंदगी में कभी उदास नहीं होते और जिंदगी में कभी निराश नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना है दोस्त, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। समझ पा रहे हैं आप? तो ये कभी कभी कट जाता है किसी का, देखे होंगे आप लोग, कुछ लोग लूले होते हैं बिना हाथ के होते, तो उनकी उनका कैसे फिंगरप्रिंट नजर आएगा? आंखों से। अब बताइए, बोलिए, खुल के बोलो यार, मैं अभी बुलवा रहा हूँ आपको, अभी मैं बोलना चालू नहीं किया हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो बोलने लगता हूँ ज़्यादा। बोलो। आँखों से, आँखों से तूने किया इशारा और मैं हो गया तुम्हारा प्यारा। ऑलराइट, तो चलो, दैट्स ग्रेट। ओके, यही सब है। सबसे पहले आज का एक सेशन होने जा रहा है। सेशन ये हम लोग तीन कैटेगरी में बांटेंगे। सर आपका नाम? सर सर हैं, यहाँ आपकी नानी का घर है, खाला है आपकी, बैठ जाओ। सबसे पहले एक चीज़, सेशन या मोटिवेशन या क्लास जो भी हम करते हैं उसमें दो चीज़ का समझना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कि कुछ पढ़ रहे हो कहीं पे बैठ के। गुड मॉर्निंग सर। शाही सर आइए सर, शाही सर। आई एम फाइन अतुल सर, कैसे हैं आप? अब इसमें दो चीज़ है, एक समझो आप, कॉन्सेंट्रेशन देने की ज़रूरत है। आप मान लो यहाँ पे सेशन सुन रहे हो या आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, अब उसमें क्या होता है कि आपके बगल में कोई साउंड आ गया। जैसे यहाँ पे हम सेशन कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, अब यहाँ पे ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर इज़ मूविंग, राइट? तो वो क्या कर रहा है, हमें दिमाग को टॉर्चर कर रहा है। फिर हम पढ़ते 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 हैं, फिर कोई मार दिया तड़ से, ठीक है, फिर बोलते बोलते हैं बोलते हैं कोई, फिर गुटखा चबा लिया। अब जैसे वो गुटखा चबाएगा, जैसे वो बीड़ी धराएगा, जैसे वो कुछ बोलेगा, जैसे वो अपना फ़ोन बजाएगा, जैसे ट्रैक्टर की आवाज़ आएगी, उससे हमारे माइंड में क्या होता है, डिस्टर्बेंस। हमारा माइंड तुरंत क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट, गुमराह हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बाहर की चीज़ों को अपने ऊपर अफेक्ट नहीं देना है। ट्रैक्टर जा रहा है, इट्स ओके, ठीक है, वो गाना बजा रहा है कि हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, बजाने दे भाई को, अरे बजाने दो, जा रहे हैं बजाते वो, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। अभी हमारा क्या काम है, कोई डंडा पीट रहा है लेकिन डंडा उसे पीटने दो, आपको क्या करना है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी हो गई आपके बाहर का साउंड, बाहर से आवाज़ आ रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, कोई भी आवाज़ आ रही है, आप जब डिस्टर्ब हो जा रहे हो। अब आप जब क्लास में बैठे हो या कहीं कोई क्लास कर रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो, अब आपके दिमाग में भी एक आवाज़ चलता है, दिमाग में भी ट्रक की आवाज़ आ रही, टों टों टों, आपके ट्रैक्टर की भी आवाज़ आ रही है। अब दिमाग में आवाज़ क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, अब ये आवाज़ आ रही है, ए भाई खाना खाई कि नहीं खाई, अरे फिर दिमाग में आवाज़ आ रही है हमारी चच्ची कैसी है, अरे अब चच्ची की आवाज़ आ रही है, फिर दिमाग में आवाज़ आई कि हुआ जल ना जाए, ठीक है, कोई बीड़ी ना फेंक दे उसमें, आवाज़ देखो कितनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में आवाज़ आ रही है कि अरे यार वो मालूम है जो उस दिन मरा था, 13 दिन हो गया, बुढ़ा आदमी, अब तेरे ही कम मिलेगी। आवाज़ आपके दिमाग में आती चली जा रही है। अब ये जितनी भी आवाज़ें हैं, ये ट्रैक्टर से, ट्रक से, ये डंडे से, और जो है कि आपकी आवाज़ से, टूटने दो टूटने दो, देखो आवाज़ से, देखो गुमराह हो गए ना, गुमराह नहीं होना है, मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, उससे ज़्यादा खतरनाक आपके दिमाग की आवाज़ है। इसलिए अपने दिमाग को क्या करना है, एकदम रिलैक्स, क्या करना है, रिलैक्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी आप क्लास में बैठो तो सवाल ज़रूर करो, और सवाल करने के साथ साथ अपने दिमाग को 6 से 9% खाली रखो। अब ये खाली रखने का मतलब क्या, पैदल नहीं हो जाना है दिमाग से,
खाली का मतलब पैदल नहीं हो जाना है, खाली का मतलब ये करना है कि भाई अपने दिमाग को कम से कम और बुरी चीज़ों से बचा के यहाँ पे रखो, स्टेबल करो, ठीक है। ऊपर कैप लगा है, ये सर के ऊपर है, लेकिन दिमाग के अंदर कैप नहीं लगा होना चाहिए कि कोई बात ना जा पाए। हवा तो बाल पे नहीं पहुंच पा रही है, टकला खोलोगे ठंडी ठंडी हवा आएगी, दिमाग खोलोगे अच्छी अच्छी बातें जाएगी टकले के अंदर, मतलब दिमाग के अंदर, समझ पा रहे हो आप? समझ में आ रही है बात? तो वी नीड टू डू दिस, हमें ये करना है। अब देखो मैं ये, हम लोग इसको इतना कैजुअल क्यों कर रहे हैं, इतना गांव टाइप का क्यों कर रहे हैं? अब गांव में है तो गांव का टाइप का करेंगे। शुरुआत अब्दुल्ला भाई की इधर ही से हुई थी बोले तो, अरे इधर से हुई, यहीं 2012 में 15 जून को वहाँ भादो मोड़ पे जो है कि कोचिंग शुरू हुई, 15 जून की तारीख थी। इसी 15 जून को ये हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का 10 साल हो जाएगा। इसी के बिना पे, इसी को चलाते चलाते मैं कहाँ पे पहुँचा, एक स्टेज जो इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाते हैं, जोश टॉक्स, आपने वीडियो देखी हुई नहीं देखी है, बहरहाल अब मैं वहाँ पे पहुँचा। अब मैं किसके बदौलत पहुँचा, किस बिना पे पहुँचा? मैं आप लोग के बिना पे पहुँचा। जब आप लोग के बिना पे पहुँचा तो इसलिए हम पूरा खेत खलिहान दिखा रहे हैं, पूरा ये नेचुरलिटी दिखा रहे हैं कि शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। और शुरुआत हर इंसान की खेत से, ज़मीन से, खलिहान से, रेगिस्तान से, और चिचिलाती हुई धूप से, और तपती हुई बदन से, और तपते हुए मस्तिष्क से होती है। इसलिए जो भी शुरुआत आप करो उसको छोड़ो मत, डोंट लीव दैट, स्टे काम एंड डू योर काम, नेवर बी बदनाम, और लाइट मेक योर खूबसूरत शाम। और राइट, सो इट मीन्स दैट आपको क्या समझना है, आपको शुरुआत पे हमेशा क्या करना है, टच में रहना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं शुरुआत अभी नहीं किया हूँ, शुरुआत करता हूँ। मुझसे वहाँ कम से कम 4 बार रुका के ये बोला गया कि आप अपनी कहानी पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कहानी बताइए। स्टूडियो होता है, कुछ लोग बैठे भी होते हैं वहाँ, कोरियोग्राफर वगैरह भी बैठे होते हैं, कैमरामैन होते हैं, तो आप बताएं, पूछा गया कि आप अपनी कहानी बताओ, आप अपनी कहानी नहीं बता रहे हो, आप अपनी वो यात्रा बताओ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी इतना सफल नहीं हुआ हूँ कि मैं अपनी यात्रा बताऊँ। यात्रा अगर मुझे जब भी बताना होगा तो मार्टिनगंज की धरती पे बताऊँगा, क्योंकि यही यात्रा का पहला जो है छोर है, यही यात्रा की पहली शुरुआत है। राइट, तो जहाँ से यात्रा आप शुरू करते हो, यात्रा का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यू आर फ्रॉम महुजा, यू आर फ्रॉम बिलवाना, अरे यू आर फ्रॉम चितारा, यू आर फ्रॉम भादो, यू आर फ्रॉम अ विलेज, राइट। आप एक गांव से हो, एक जहां से भी हो आप हो, बट आपको क्या करना है, हमेशा अपने से टच में रहना है, अपनी ज़मीन से हमेशा जुड़ के रहना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। बहरहाल मैं ये डंडा भी फेंक दे रहा हूँ बोले तो, और ये डंडा फेंक दे रहा हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, आज हम क्या करने वाले हैं, अपने सेशन को 3 कैटेगरी में बांटने वाले हैं। एक तो आपका दिमाग किस तरह से फोकस हो पाए, किस तरह से कंसंट्रेशन हो पाए, एक उस कैटेगरी में बांटेंगे जिसको बोलते हैं प्रेरणा मोटिवेशन। एक कैटेगरी होगी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंटेलेक्चुअलिटी या सेल्फ स्टोरी, जो मैं 10% उसमें ये भी जोड़ूंगा, और मैं 30-40% आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर को लोग भी जोड़ूंगा। राइट, इंग्लिश का ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश के बैठे, राइट, ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ ग्रेट। लेकिन मैं, आप जानते हैं जैसा कि मैं बहुत बड़ा सिंगर हूँ, पता है, हाँ, बहुत बड़ा सिंगर हूँ, बहुत बड़ा शायर हूँ, और राइट है ना, नहीं माना कि आपकी ज़िंदगी में उलझनों का साया है, माना कि आपकी ज़िंदगी में उलझनों का साया है, कोई अपना तो कोई पराया है, यहाँ पे किसी ने किसी को हंसाया तो किसी ने किसी को रुलाया है, पर वो इंसान सबसे अच्छा होता है जिसने किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखाया है। राइट, तो ये चीज़ हमेशा समझना, हंसाने रुलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, अभी चैटिंग करो अभी हंसा देंगे, फिर वही लोग गुस्सा हो जाएंगे थोड़ा। और आजकल चैटिंग में ये गुस्सा ये हंसी बड़ा चल रहा है, समझ ही नहीं आता कब गुस्सा कब हंसी। आदमी परेशान है, बदनाम है, बाल झड़ रहा है, पक रहा है, क्या टेंशन है, खाने पीने का, पढ़ाई करनी, टेंशन, गुस्सा हो गया सामने वाला इस टेंशन में। राइट, अब ये समझ रहे हो आप, ये आदमी इसी तरह से है। और मैं एक लाइन के साथ शुरुआत करना चाहूँगा आज का सेशन की, ये रातें रात अभी नहीं अभी दिन है, ये रातें सताएंगी ये बातें सताएंगी, ये रातें सताएंगी ये बातें सताएंगी, और कभी ये दिन सताएगा कभी ये शाम सताएगी। तो अब मैं इसको देखो कैसे गाने में कन्वर्ट करता हूँ, ये रातें सताएंगी
ये बातें सताएंगी, ये रातें सताएंगी, ये बातें सताएंगी, ओ ये दिन भी सताएगा, ये शाम रुलाएगी, ये रातें सताएंगी, ये बातें सताएंगी, ओ कभी चैन ना आएगा, समझ रहे हो, कभी नींद ना आएगी, ये रातें सताएंगी, समझ पा रहे हो, ये बातें सताएंगी, हो कभी तुम असफल हो जाओगे, हो कभी तुम डर जाओगे, ये डर तुमको खींच के लाएगी, ये रातें ये बातें सताएंगी, चलते चलते तुम रुक जाओगे, बैठे बैठे तुम सो जाओगे, हाँ चलते चलते तुम रुक जाओगे, बैठे बैठे तुम सो जाओगे, ओ पढ़ते पढ़ते तुम भाग जाओगे, ये रातें ये बातें सताएंगी, डर को करो अब ख़त्म, डर को करो अब ख़त्म, जो भी है तुम्हारे पास गम, हाँ डर को करो अब ख़त्म, जो भी तुम्हारे पास है गम, ये जब आई सुस्त बनाएगी, ये आँखों की नींद तुझे रोक जाएगी, ये मुस्कान आगे बढ़ाएगी, ये शिक्षा तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। अब देखो दो चार लाइन, इसमें से दो चार लाइन मान लो मेरे दिमाग में लिखी हुई थी, लेकिन मैंने 10 लाइन अपने दिमाग से जोड़ दी। इसको बोलते हैं पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ ब्रेन। कोई किताब नहीं, कोई डायरी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास क्या है, ये खुदा भगवान ईश्वर की दी हुई क्या है, ये माया है। इसको बोलते हैं रामबाण, इसको बोलते हैं पैना किया पैना शिया, ऑलराइट, बोले तो रामबाण इंग्लिश में, राइट। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अरे एक इधर लटक जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, सबसे पहले तीन चीजें, आपको जो भी मैं गाना गाया आपको हर बार यही लगेगा कि यार ये रातें सता रही है, ये बातें सता रही है, उलझन सता रही है, दिक्कत हो रही है, जितने छोटे छोटे बच्चे उनके लिए भी कह रहा हूं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। मैं आपको ऑब्जर्वेशन दो चीजों का जो मैं अभी फेस किया हूं आते आते, मैं आपको दो चीज़ों का ऑब्जर्वेशन देता हूँ। एक तो मेट्रो दिल्ली में ऐसे ऐसे आप लोगों को नमूने मिलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा क्या है। एक तो आदमी बेचारा कोने में बैठ के पेटीज खा रहा है, एक आदमी करोड़ों की बात कर रहा है फ़ोन पे, एक आदमी जो है कि इंग्लिश बोल रहा है और भले से उसको इंग्लिश नहीं आ रही है उसी में लगा पड़ा है। भाई इधर तो इंग्लिश का पिता खड़ा है ना बोले तो, अरे अब उसके पीछे उसके आगे खड़े होकर अंग्रेज़ी बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हो। और एक सबसे ज़्यादा होता है ये दिक्कत जो बेचारे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मनाते हैं उसमें, तू खा ले, तू चली जा, तू मर जा, तू कुछ हो जा तेरे साथ। अब ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं। और उसी तरह से क्या होता है कि आपको ट्रेन में भी ऑब्जर्वेशन मिलेगा। आपको ट्रेन में ऑब्जर्वेशन कब मिलेगा, जब आप चालू के डब्बे में जाओ, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा करोड़पति और अरबपति चालू के डब्बे में मिलेंगे, जनरल कंपार्टमेंट। एसी वाले बेचारे नॉर्मल बैठे हैं, बेचारे ज़्यादा पढ़ लिख लिए तो बाल झड़ जाता है, आराम से बैठे हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, नहीं रोज़ा चल रहा है ना, तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको ये चीज़ समझनी है कि ऑब्जर्वेशन लेना बहुत ज़रूरी। अब जैसे मैं आ रहा था भाई, इतनी ज़्यादा क्राउड थी, टिकट मिल नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया कि टिकट नहीं लिया, टिकट मिल ही नहीं रहा था। अब मैं बैठा बैठा था शाहगंज, मुझे उतरना था, दिल्ली से आ रहा था, शाहगंज ट्रेन पहुंच गई, टीटी आ गया,
अब टीटी आया तो मैं अब क्या कर सकता था भाई, टीटी से उठता मैं जाके खिड़की पे खड़ा हो जाता या थोड़ा, लेकिन मैंने क्या किया, मैं आराम से बैठा रहा। टीटी आया, कह रहा है टिकट, मैंने कहा टिकट नहीं है, तो कह रहा है टिकट फिर बनवा ले, मैंने कहा बनाइए टिकट, मैंने कहा कितना कितना, तो कह रहे 700 रुपया, मैंने कहा ये लीजिए, कह रहा आपका नाम, मैंने कहा मोहम्मद अब्दुल्ला, कह आप रोज़ा है, मैंने कहा मैं रोज़ा हूँ, तो कह रहे चलिए आपका चालू का टिकट काटते हैं 450 लेते हैं आपसे, 250 रुपया आप रख लो। तो मैंने कहा देखो ईमानदारी में पावर है, देख रहे हो, अगर मैं कुछ ना करता भाग जाता तो मुझे अंदर से खुद खराब लगता, और मैंने क्या किया, मैंने ईमानदारी से बैठा रहा, मेरा 700 की जगह 450 लगा, लेकिन जो उसके बाद फीलिंग आई ना, माँ कसम जबरदस्त आई फीलिंग, ऐसी आई कि मैं राजा हूँ, रानी नहीं है बगल में लेकिन मैं राजा हूँ बोले तो, राइट, मतलब ऐसा फील हो रहा था, वाओ यार इट्स इनक्रेडिबल मोमेंट, बिकॉज आफ्टर डूइंग एनी गुड वर्क, आप कोई अच्छा काम करने के बाद आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है। अब जैसे मुझे लगेगा कि मैंने स्पीच से आपको कुछ बता दिया, कुछ समझा दिया, तो मुझे यहां से घर जाने के बाद या दिल्ली जाने के बाद क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, और नहीं अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने अच्छा क्या किया है, काम किया है, राइट। इसको थोड़ा मूव कर लेंगे, सर कहाँ गए, इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिए, राइट, इधर मेरे ख्याल से उधर तक आवाज़ नहीं पहुँच पा रही होगी, वो चिलमन भाई के पास चिलमन भाई किसी का नाम है, चिलमन भाई पक्का, ओह अच्छा, नाम भी ना, नाम भी गजब गजब होते हैं, आपने सुना है नाम, फेसबुक पे कभी नाम पढ़ते हो, है होता है, लेकिन कभी कभी जो है जब कुत्ते का नाम अलग सा मिलता है, रॉकी, टॉमी, राजू, तो कभी कभी हमें अपने ऊपर शर्म आने लगती है, यार अब हम अपना नाम ये सब नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो कुत्तों की, कुत्ता नहीं बोलना चाहिए, डॉग बोलना चाहिए, कुत्ता बोलने में ख़राब लगता है, किसी को बोल दो ए डॉगी, अरे किसी को नहीं, कुत्ते को बोलो डॉगी, अब बोलो कुत्ता इधर आ तो आदमी अगर कोई लड़का खड़ा है बगल में तो उसको लगता है मुझे ही बुला रहे तो थोड़ा सा समझो, किसी को काला नहीं कहना चाहिए, राइट, और किसी को मोटा नहीं कहना चाहिए, बहरहाल कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड एवरी स्टेप। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो भी हम कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा मैं इस पे भी आपको फोकस दिलाता हूँ, जो भी कोर्स हम कर रहे हैं इसको आप 3 कैटेगरी में बांटो, जैसे पहले हम इंग्लिश का बात कर लेते हैं या हम कंप्यूटर की भी बात कर लेते हैं, इसको आप 3 कैटेगरी में बांटो, एक आपका है इनपुट और एक आपका है आउटपुट और बीच में है प्रोसेस। अब ये जितना भी आपके सामने चल रहा है ये इनपुट चल रहा है, अब आपका दिमाग इसे प्रोसेस करेगा, अब ये आप करोगे आउटपुट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग यहाँ पे मान लो 4 महीने 5 महीने 6 महीने से आ रहे हैं, व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम, आई एम ऑब्जर्विंग, मैं ऑब्जर्विंग क्या कर रहा हूँ प्रॉब्लम आपकी, योर प्रॉब्लम इज दैट कि यू हैव नॉट अ गुड मिशन, गुड विजन, आपका जो है ना कर तो रहे हो कोर्स आप, लेकिन उससे रिलेटेड कोई विजन नहीं आपका, ठीक है, चमेली बाजी सीख रही हम भी सीख लेंगे भाई, चमेली बाजी सीख रही है लेकिन आप कहाँ सीख रहे हो, यू डिसाइड दैट, आप उसका डिसीजन लो। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं, आके ऐसे हॉल में बैठते हैं, सर एक्सेलवा करें कि ट्रिपल सिया करें, ऐसे सर अच्छे अच्छे तो अगर ट्रिपल सिया कर लेंगे तो सही रहेगा, नहीं नहीं आप ADCA कर लो, तो अब आप ADCA कर लो, आप समझ पा रहे हो, आप उनका पहले से कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, और मैं आप लोग इसमें आप ही लोग बैठे हो, आप लोग को कभी विजन नहीं है। देखो मैं एक बात खोल के बोलता हूँ, अगर आपका कोई भी यहाँ क्लास में आने से कोई विजन नहीं रहेगा, कोई मिशन नहीं रहेगा, आप इसी तरह से सीखोगे, जितने भी विद्यालय सारी चीज़ें चल रहे हैं, ये जितने भी लोग सिखा रहे हैं, सीखते सीखते लोग सीखेंगे, निकलेंगे, शादी होगी, बच्चे खिलाएंगे, समझ पा रहे हो आप, मतलब कोई विजन कोई मिशन नहीं है। अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आपका खुद लाइफ में कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं हुआ या प्रोफेशनल फ़ायदा नहीं हुआ, डू यू थिंक दैट यू आर इन द प्रॉफिट्स, क्या आपका कोई फ़ायदा है, नो नो बेनिफिट। अगर आप यहाँ से सीखने के बाद आफ्टर लर्निंग फ्रॉम हेयर इफ़ यू कैन स्पीक समवेयर, इफ़ यू कैन ऑपरेट कंप्यूटर, आपको पता है टैली कितनी बार मॉडिफाई हुई है, टैली में ERP 9 आया, टैली में GST आए, अभी आप टैली के अंदर देखिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर ला के डाल दिए हैं लोग, आप अगर विप्रो में, माइक्रोसॉफ्ट में, आप HCL में, आप जो है कि वहीं पे आप ये एसर में जो है कंपनी में काम करने जाएंगे या किसी टाटा में, टाटा MNC मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने जाएंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने जाएंगे, तो आपको क्या ये टैली ERP 9 तो वहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं। अब आपको पता है GST ऐड हो गई, अब आप GST अपने अंदर भी तो ऐड करो, आपको पता है कि इंग्लिश मान लो आप सीख रहे हो, बाजी हाउ आर यू, सोनम हाउ आर यू, काजल हाउ आर यू, बादल हाउ आर यू, अच्छा यार काजल हाउ आर यू, बादल हाउ आर यू, चलो ठीक है मार्टिनगंज तक ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंधों में कन्वर आ जा,
ऑलराइट, अ फिगर अमंग साइफर, सो इंग्लिश में बोलते हैं फिगर अमंग साइफर, आप यहां तो चल जाओगे, लेकिन आपको ही आपके मम्मी पापा कल आपको भेज देंगे दिल्ली जाओ कमा, बैंगलोर भेज देंगे जाओ कमाओ, मुंबई भेज देंगे जाओ कमाओ, व्हाट विल हैपन उसके बाद क्या होगा, डू यू अंडरस्टैंड, आपको लगता है क्या होगा उसके बाद, उसके बाद आप जाओगे मुंह सुजाओगे और बैठे रहोगे और बोलोगे आई एम सॉरी सर बिकॉज आई डोंट नो। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल मेरे यहाँ दुबई से एक कॉल आई, परसों मेरे यहाँ कॉल आई राइट आफ्टरनून दोपहर में, तो कहे सर मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई वीडियो कॉल कर, इतना खूबसूरत तो हूँ नहीं, चल दिखा देता हूँ तुझे। तो ही कॉल्ड मी वीडियो कॉल, आफ्टर दैट ही लुक्ड मी, उसने मुझे देखा, बात किया 3-4 मिनट तक, देन ही टुक एडमिशन, उसने एडमिशन ले लिया ऑनलाइन। अब आप सोचो कि दुबई और सऊदी और कतर से एडमिशन आता होगा तो क्या, समझ रहे हो कनेक्टिविटी, अब ये इसमें क्या क्या लोग पसंद कर रहे हैं। उसने सिर्फ मुझसे एक बात कही कि सर आई लाइक योर एक्सेंट, मुझे आपका एक्सेंट पसंद है। मैंने पूरे इंडिया में किसी भी स्पीकर को नहीं देखा कि इस तरह के एक्सेंट में बात करते हुए। आप बताओ, मैं तो अपने आप को महुजा मोड़ तक रखा हूँ, उधर धूल में धूल आ रही है, उधर गेहूँ आ गया है, कट गया है, मैं यहीं तक सीमित समझता हूँ। लेकिन अगर लोग दुबई तक अटैच हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई यूनिकनेस है। तो मैं आपको एक पॉइंट ये भी रखता हूँ कि आपका स्टार्टिंग, आपकी शुरुआत, आपका एंड और बीच में आपकी यूनिकनेस, अनोखापन, आप रियलाइज करो अपने अंदर आंखों की, यार अनोखापन मेरा क्या हो सकता है। हो सकता है आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अनोखी हो जाए, उससे आपको लोग जो है, आप देखते हैं कॉमेडियन की बॉडी लैंग्वेज, 60% लोग हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से हंसने लगते हैं, 40% उसकी बात समझ में, अबे बीड़ू क्या बोलते हैं यार, अब वो ऐसे खड़ा है, ये बीड़ू क्या बोलते हैं, ठीक है, अब उसको देख के आदमी हंसने लगा, क्या कॉमेडियन है भाई, ये क्या बोलते हैं यार, अरे समझ पा रहे हो आप बात, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप समझ रहे हैं। सिंगर आएगा, उसकी आंखों में मासूमियत, चेहरे पे ऐसा लगेगा 4 गर्लफ्रेंड धोखा दे दी, वो रो रहा है बेचारा अरिजीत सिंह की तरह, जुबिन नौटियाल की तरह, समझ रहे, उसके चेहरे से देख के क्या लगता है यार ये सैड सिंगर है। अब वहीं पे मिल्खा सिंह आ गए, बी प्राक आ गया और चिल्लाने लगेगा, हाँ इतना ना करो तुम याद कि दिल तोड़ ना पड़ जाए, भाई दिल तोड़ना है तो फिर जोड़ेगा कौन, समझ रहे हो। अब ये आप समझो कि जिस तरह की जो कैटेगरी में है उस तरह का चेहरा बना लेता है, उसकी यूनिकनेस हो गई, यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं। कल को रफ़ी साहब गाते थे लोग सुनते थे आपको, कल को जो है कि कुमार सानू का 90 में लोग गाना सुनते थे, उदित नारायण का सुनते थे, अलका याग्निक का सुनते थे, बीच में अरिजीत सिंह का सुनने लगे, बीच में जुबिन नौटियाल का सुनने लगे, बीच में बी पराग का सुनने लगे, बीच में नेहा कक्कर का सुनने लगे थे राइट, फिर आदिति नारायण का सुनने लगे। आप समझ रहे हो, टाइम इज टाइम ऑलवेज चेंजेस, कब आपकी कौन सी बात उठ जाए आप नहीं जानते। आज बताओ यही सेमिनार हुआ था, यही सेशन हुआ था, यही आप लोग में से बहुत से लोग बैठे रहे होंगे क्लास में, यही वीडियो आज कितने लोग देखे, 70 लाख लोग वीडियो देखे, 70 लाख। अब यहाँ पे आप लोग मान लो 200 लोग हो, 70 लोग हो, 100 लोग हो, 70 लाख लोग देखे, उस 70 लाख की वजह से मेरा लाखों का फायदा भी हुआ होगा, बात बता रहा हूँ, लाखों का फायदा भी हुआ होगा। पैसे की बात देखो अलग है, मैं हमेशा उसको अलग रखता हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ कि मेरे जो फॉलोअर सब्सक्राइबर थे वो टम से जूम कर गए, बूम कर गए। लेकिन एक चीज़ है आपको ध्यान देना है कि आपको जो काम आप कर रहे हो हमेशा करते रहना है। स्टेज पे आ रहे हो, डर लग रही है, कीप ऑन स्पीकिंग, बोलने की कोशिश करो, अगेन एंड अगेन स्पीक राइट, ओके। तमन्ना कहाँ गई, तमन्ना इधर है, तमन्ना, अरे तमन्ना का मतलब जानते हो, सबके अंदर क्या होनी चाहिए, इच्छा, तमन्ना होनी चाहिए, राइट। अगर आपके पास तमन्ना है तो खुदा आपके साथ, भगवान आपके साथ है। अब चलो हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश के टिप्स पे बात कर लेते हैं। अब इंग्लिश की हम शुरुआत कैसे करेंगे, इंग्लिश की हम बात कैसे करेंगे, इंग्लिश का हम आगाज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सब चीज़ छोड़ के, सब चीज़ छोड़ दो, कुछ ज़्यादा टिप्स, हेलो मैडम क्या हो गया, अरे ओके ठीक है, आप शादी हो गई आपकी, कोई बात नहीं, शर्माइए मत, कहाँ हुई शादी, अरे शर्माइए मत, क्या नरेंद्र पट्टी, ये कहाँ पड़ता है, शर्माइए मत, शर्माना, शर्माई होंगी तब आप जब आपका मंडप लगा होगा, अभी इधर मत शर्माने की, अरे वो हम भी शर्मा नहीं रहे, लेकिन अब जब हम मड़वे में जाएंगे, जब साली उली हमारी मजाक करेंगी तो हम कहाँ करेंगे, बस शर्माएंगे, अरे समझ रहे, अरे जीजा जी सुनिए, अरे ना, अरे जीजा जी लीजिए मिठाई खा लीजिए, अरे नहीं, समझ पा रहे हो, थोड़ा शर्माना ज़रूरी है, शर्माना ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं बहरहाल इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे पहले आप एकदम एक चीज़ निकाल दो, फियर।
एक जगह मैं बहुत अच्छा लिखा था कि फियर ऑफ फियर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड अ वेरी बिग पॉइजन. फियर ऑफ फियर, आप डर से डर लगता है आपको, तो डर से डरो मत. अब आप क्या होगा, या तो आपके ऊपर लोग हंसेंगे या आपके लिए ताली बजाएंगे. हंस दिए तो ये सब बिलवाना महूजा में जाके सोएंगे, और ताली बजा दिए फिर भी वो सोएंगे. लेकिन आप इनकी हंसी से आपको सीखना मिलेगा और इनके आपके ताली से भी सीखने को मिलेगा. दूसरी चीज, जितना भी वर्ड है, छोटी छोटी चीज है, आप क्लियर करना चालू करो. मत बोलो ग्रामर के साथ. मत कैन का यूज नहीं कर पा रहे हो, मत करो. शुड का यूज नहीं कर पा रहे हो सही से, मत करो. अभी शुरुआत में बोलो, जितने नए स्टूडेंट्स हैं, हाउ आर यू पढ़ाया गया, हाउ आर यू बोलो. डू यू डू पढ़ाया गया, डू यू डू बोलो. हाउ डू यू डू बोला गया, हाउ डू यू डू बोलो. गो बोलो, कम बोलो, ओपन बोलो, क्लोज बोलो, फ्लाइंग बोलो, ब्लू बोलो, छड़ बोलो, छड़ आ रहा है, रॉड बोलो, रॉड नहीं आ रहा, आयरन बोलो, आयरन नहीं आ रहा, पाइप बोलो, पाइप नहीं आ रहा है तो बोलो दिस साइज, दिस साइज. ठीक है, ऐसे बोलो. मतलब एकदम आपको एकदम क्लियर रहना है. कुछ भी, ओ ऑटो, ऑटो नहीं, ऑटो नहीं आ रहे, टेम्पो, टेम्पो नहीं आ रहे, वो थ्री व्हीलर नहीं आ रहा, चाची इज गोइंग, और ये देखो चाची उसमें बैठी है. राइट, समझ पा रहे हो आपको क्या कर रहे हैं. एकदम मतलब अपने आप को ओपन रखना है. कुछ नहीं आ रहा है, कुछ उसकी जगह रिप्लेस करो. ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों पे काम करना चालू करो, और शब्दों को रटो मत, शब्दों को हमेशा यूटिलाइज करो. जैसे मान लो पोर मतलब क्या, उड़ेलना. पोर का मतलब POUR, पोर मतलब क्या, उड़ेलना. अब अचानक आप स्टेज पे बोल रहे हो, व्हाट हैपेंड, आई वाज मेकिंग अ गाजर का हलवा एंड देन व्हाट डिड आई डू दैट, आई मैंने दूध डाला. अब आपको नहीं आ रहा है, आई पुट मिल्क, पोर नहीं आ रहा है. ठीक है, आई 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 फेल मिल्क, गिरा दिया दूध. अरे समझ पा रहे हो आप, मतलब आपको अगर एक वर्ड नहीं आ रहा है तो और भी वर्ड्स अपने पास आप रखो. ये चीज़ आप समझो, कुछ नहीं आ रहा है, आई डाल दिया मिल्क. ठीक है, ऐसे बोल दो, बट ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश करो. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक आपने कॉमेडी सुनी होगी कि वहाँ जाओ कि इंग्लिश क्या होती है, तो बोलते हैं गो देयर. अब फिर कहेंगे यहाँ आओ कि इंग्लिश क्या होती है, हाँ कम हेयर. वो जाके वहाँ दूसरी जगह बदल के बोलते कहता गो देयर. ठीक है, मैं कम हेयर नहीं बोलूँगा, इधर आके मैं बोलूँगा गो देयर. तो ऐसे ऐसे